आपके सामने मेरा वेबसाइट खुला हुआ है और मैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज में जाता हूँ, तो ये सामने कुछ पेज खुला, टोकन पे क्लिक करूँगा, ये कुछ कंटेंट खुला, डेटा टाइप पे क्लिक करूँगा, ये कंटेंट खुला, वेरिएबल पे क्लिक करूँगा, ये कंटेंट खुला, आइडेंटिफायर पे क्लिक करूँगा, तो फिर आप कहें कि ये कंटेंट खुलेगा, तो इसमें नया क्या है, क्लिक करेंगे तो खुलेगा ही। बात आप सही कह रहे हैं, नया कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो देख समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जिस भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो ये साइड बार सेम रहता है, ये मेन्यू बार ये वाला सेक्शन सेम रहता है, सिर्फ ये कंटेंट बदल रहा है। तो ये सेम सेम हर जगह आ रहा है, सारे पेज में सेम आ रहा है, तो क्या सारे पेजेस में ये लिखे गए होंगे साइड बार ऐसे या नहीं लिखे गए होंगे? तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करूंगा और मैं एफ ड्राइव में आऊंगा, फिर यहाँ पे एग्जाम सर्वर एचटी डॉक्स, यहाँ पे मेरा इंडेक्स फाइल है जो मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के मदद से खोल रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ और यहाँ पे हैज लिंक बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एच ओ एम ई होम, और फिर स्पेस दे करके पाइप साइन दिया मैंने, फिर यहाँ पे लिख दिया अबाउट ABOUT अबाउट, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्ट पेज, और इसको मैं नेव टैग के अंदर NAV नेव टैग के अंदर मैं इसको क्या करूंगा पैक कर दिया, और मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लूंगा। स्टार्ट पे सर्वर पे क्लिक किया मैं, अब मैं आऊंगा अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे मैं टाइप करूंगा लोकल होस्ट 8080 और एंटर मारा, तो ये आप देखो कि ये होम अबाउट कंटेंट आ गया। मैं क्या करूंगा कि न्यू टैग के ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पे H3 में होम होम पेज, सेम मैंने कंट्रोल ए दबाया कंट्रोल सी दबाया, कॉपी कर लिया पूरा मैंने, और फिर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट किया, सेम पेजेस पेस्ट किया, सेव करूंगा और इसका नाम दे दूंगा ABOUT अबाउट डॉट PHP, एंटर मार करके सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं होम पेज के जगह पे लिख दूंगा अबाउट ABOUT अबाउट, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा ABOUT अबाउट। अब मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, होम पेज आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश इंडेक्स डॉट PHP लिख के एंटर मारा तो होम पेज खुला ही है बाई डिफॉल्ट, अब यहाँ पे लिखूंगा ABOUT अबाउट डॉट PHP, तो अबाउट पेज मेरा खुल गया। तो होम पेज इंडेक्स डॉट PHP होम पेज में भी ये तीनों सेक्शन दिख रहा है, और फिर मैं यहाँ पे ABOUT लिख करके एंटर मार रहा हूँ तो भी यहाँ पे अबाउट पेज दिख रहा है और ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट वही दिख रहा है, पेज अबाउट खुला है। तो आप कहेंगे सर ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब आपने इस मेनू को दोनों जगह पे कॉपी किया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे, मैं तो आप सही हो बिल्कुल, मैंने कॉपी किया है। अब इस लिंक के जरिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ इस लिंक में मैं अभी रहने देता हूँ, इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, अभी दोनों जगह पे कॉपी पेस्ट है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, आपने कॉपी पेस्ट मारा है, तो क्या इसमें भी आपने कॉपी पेस्ट मारा होगा? नहीं जी, इसमें तो कॉपी पेस्ट नहीं मारा, तो क्या तरीका है? तो तरीका अब मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया कि ये सेम कंटेंट है, इसको यहाँ से डिलीट करूंगा मैं और अबाउट में आता हूँ, ये सेम चीजें कंटेंट है, इसको भी मैं डिलीट कॉपी किया कट किया मतलब अभी मैं, और नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक किया,
यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मेनू, आप कुछ भी नाम दे दो ना, मैं मेनू रख रहा हूँ डॉट पी एच पी, एंटर मैंने मार दिया। अब मैं क्या करूंगा, अबाउट में आता हूँ और इंडेक्स में आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पी एच पी में फंक्शन होता है इंक्लूड, तो मैं पी एच पी स्टार्ट करूंगा ऐसे और ऐसे बंद कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इंक्लूड, इंक्लूड हट यहाँ से, इंक्लूड डबल कोट लिखूंगा। मेरा ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर के अंदर ही मेनू इंडेक्स अबाउट है, तो मैं इंडेक्स के साथ ही, इंडेक्स के बगल में ये रखा है, मतलब जहां इंडेक्स रखा है वही मेनू रखा है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा मेनू डॉट पी एच पी सेमी कॉलन। अब आप देखना, सबसे पहले मैं इस लाइन को कट करके सेव करता हूं और रन करता हूं, तो अबाउट पेज है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, इंडेक्स डॉट पी एच पी रन किया, मेनू गायब हो गया। मैंने अबाउट पेज को भी सेव कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर दिया मैंने, तो इंडेक्स में भी हट गया है, ये भी ओ यू टी, अबाउट में भी जो है मेनू हट गया है, तो इंडेक्स पेज है, मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अभी, आप देखना, तो पेस्ट कर दिया मैंने वही चीजें, मेनू इंक्लूड हो गया। अब देखना आप क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा है जी, लगता है सेव नहीं किया मैं, सॉरी मैंने अबाउट में यहाँ पे कर रखा है, अबाउट में मेनू इंक्लूड किया है, तो मेरे को अबाउट खोलना पड़ेगा, सॉरी इंडेक्स में मैं आता हूँ और इंडेक्स में पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं इंडेक्स पेज को रिफ्रेश किया, अब आ गया यही पेज यहाँ पे। अब राइट क्लिक करिए और कंट्रोल यू दबा दीजिए, सॉरी राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज करो या कंट्रोल यू दबाओ, जैसे हमने दबाया तो ये देखो, ये नेविगेशन को हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो जैसे पहले क्या होता था कि हम इंक्लूड नहीं करते थे, बल्कि मेन्यू के अंदर, इस मेन्यू के अंदर ये टैग है HTML का, इस टैग को हम क्या करते थे, इंक्लूड करने के जगह पे सीधा ऐसे राइट कर देते थे, यही करते थे ना, तो अब हम जब इंक्लूड कर दिए तो हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो अपने आप इंक्लूड हो गया। तो आप ये देखो इंक्लूड कर दिया मैंने, अब फिर मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को यहां से कॉपी मारूंगा और यहाँ पे अबाउट में मैं आकर के पेस्ट कर दूंगा, ये देख लो आप पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये इंडेक्स है। अब मैं अबाउट खोलता हूँ, ए बी ओ यू टी अबाउट, तो अबाउट में भी ये आ गया, कंट्रोल यू दबा के सोर्स कोड देखा तो अबाउट में भी ये लिखा गया। तो यही इसी तरह से मैंने टेक्निक यूज की है अपने साइट में, तो आप इस तरह से जो है कॉमन पोर्शन अपना आप शो कर सकते हैं। अब एक चीजें और है कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो होम खुलना चाहिए, तो इंडेक्स खुलना चाहिए, तो हम इंडेक्स कैसे करेंगे, इंडेक्स डॉट पी एच पी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और अबाउट के पास आके ए वो ओ यू टी अबाउट डॉट पी एच पी लिख दूंगा मैं, इन फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ, इस पे क्लिक करने पे अबाउट खुलना चाहिए, तो देखो मैं अबाउट का नाम यहाँ पे लिखा अबाउट डॉट पी एच पी, इस पे क्लिक करने पे होम इंडेक्स पी एच पी खुलना चाहिए, तो मैंने ये वाला नाम इंडेक्स पी एच पी यहाँ पे लिखा है, सेव कर देता हूँ मैं। अब आप देखो मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसको कंट्रोल यू दबाऊंगा तो आप देखना यहाँ पे आ गया ना, रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ पे। अब मैं अभी अबाउट खुला है, होम पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो इंडेक्स पेज खुल गया ना, अब मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ गया। मतलब इसका फायदा ये हुआ कि यदि हमने इंडेक्स में और अबाउट में मेन्यू को कॉपी किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, ये एचरेफ एट्रीब्यूट को बदलाव करना पड़ता, अबाउट में भी जाके अबाउट के भी मेन्यू में, इंडेक्स के भी मेन्यू में बदलाव करना पड़ता। लेकिन जब हमने इंक्लूड किया, तो इंक्लूड जब हमने किया तो हमें सिर्फ एक जगह बदलाव करना पड़ा, इन दो पेज में अपने आप बदलाव हो गया, तो यही बेनिफिट है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये इंक्लूड जो है ना, ये दो ठो फंक्शन है, इंक्लूड एक फंक्शन है और एक है इंक्लूड वंस,
इंक्लूड अंडर स्कोर वंस, इंक्लूड वंस एक तो फंक्शन है, तो इंक्लूड वंस में मैं इसको आके इंक्लूड कर देता हूँ, ये देख लो। तो अबाउट वाले में मैंने चेंजेस किया है, तो मैं अबाउट पेज खोलूंगा, यहाँ से अबाउट पेज खोला और अबाउट पेज का सोर्स कोड देखा, तो ये देखो कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है, कोई अंतर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका अंतर क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैं इंडेक्स पे आता हूँ और दो बार लिखता हूँ इसको, इसको मैंने दो बार लिखा और इंडेक्स पेज को मैं रिफ्रेश होम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज में क्लिक किया तो ये दो बार देखो आ गया। अब कई बार क्या होता है कि हमने कुछ फंक्शन यदि कॉल किए हैं पीएचपी के इसमें, तो हम दो बार इंक्लूड करेंगे तो दो बार जो है फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाएगा या कॉलिंग हो जाएगा। तो कॉलिंग में तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन डिक्लेरेशन में दिक्कत आ जाएगा। मैं करके दिखा दूं, नहीं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको भी कंफ्यूजन होगा, करके दिखाऊंगा। तो कई बार हमने डिक्लेयर किया रहता है तो रीडिक्लेरेशन का एरर आ जाता है, और कई बार हमें प्रोजेक्ट में दो बार इंक्लूड करना पड़ जाता है। अब क्यों दो बार इंक्लूड करना पड़ता है, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है कि मजबूरी होती है दो बार इंक्लूड करना। तो हम ऐसी स्थिति में इंक्लूड वंस का यूज करेंगे, और इंक्लूड वंस अभी तो समझ में आएगा नहीं, मैं चाहे जितना आपको समझा लूँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इंक्लूड वंस का रियल यूज वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।